नमस्ते, दिस इज गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टच हीलिंग एकेडमी। डिवाइन टच हीलिंग एकेडमी में क्रिस्टल हीलिंग के क्लासेस कंडक्ट होते हैं। आपको सभी क्रिस्टल्स के बारे में बताया जाता है, उन्हें कैसे यूज करना है और कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल सही है वो आपको सिखाया जाता है। चक्रा क्लियरिंग, चक्रा एनर्जाइजिंग, ऑरा क्लियरिंग, लेआउट्स, देन ग्रिड्स आपको सिखाए जाते हैं। ये वीडियो बन रहा है एम्बर क्रिस्टल के ऊपर। एम्बर क्रिस्टल बहुत ही यूजफुल और बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है और इसे भगवान के आंसू भी कहा गया है और इसे समुद्र का गोल्ड भी कहा गया है। ये समुद्र का सोना है क्योंकि इसका कलर पीला होता है। पीले कलर की वजह से ये क्रिस्टल हमारे मणिपुर चक्र पे काम करता है। मणिपुर चक्र से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो एम्बर ठीक कर सकता है। मणिपुर चक्र में जैसे इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस वगैरह की प्रॉब्लम होते हैं, कोई भी प्रकार का पेन है, कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे अराउंड है उसको क्लियर करता है। आपके अंदर अगर डर है, आपका डर जो है वो भी सोलार प्लेक्सस में जमा होता है। जब सोलार प्लेक्सस का चक्र बैलेंस होता है तो पूरा डर, नेगेटिव एनर्जी निकल जाता है। तो मणिपुर चक्र से कनेक्टेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो एम्बर से जल्दी क्योर होते हैं। एम्बर इतना पावरफुल स्टोन है कि ये कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को आप तक पहुंचने नहीं देता है। यूजुअली इसे सब हीलर्स यूज करते हैं, जो भी लोग शरीर में से आत्माएं निकालने का काम करते हैं वो इसकी माला बनाकर गले में पहनते हैं या ऐसे बड़े पीसेस रफ उनके रूम में रखे रहते हैं। तो ऐसे एम्बर के पीसेस हमारे घर की ऑरा को, हमारी ऑरा को इंटैक्ट बनाते हैं और नेगेटिव एनर्जीज को कहाँ से भी हमारे लाइफ में एंटर होने नहीं देते हैं। सेक्रल चक्र, दैट इज हारा चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र से कनेक्टेड भी सारे प्रॉब्लम एम्बर से ठीक हो सकते हैं। कोई भी प्रकार का पेन हो एम्बर से ठीक होता है। इसे जस्ट हमारे इर्द गिर्द रखना होता है या फिर आप इसे वॉलेट में रख सकते हो या इस रफ एम्बर का ही, ये नेचुरल एम्बर का ही एक पेंडेंट बना के आप पहन सकते हो। इसके रिंग्स बना सकते हो, जो छोटे साइज है उसके रिंग्स बना सकते हैं, ब्रेसलेट्स बना सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव होता है हर एक नेगेटिविटी को निकालने के लिए। हमारा जो विजडम होता है वो भी मणिपुर चक्र से डिसाइड होता है। जब हम बॉर्न होते हैं तब हमारा सोलार प्लेक्सस येलो कलर का होता है। जैसे जैसे हमारे अंदर विजडम आती है या मैं कहूँगी जितने भी हायर लेवल के मास्टर्स हैं उनके मणिपुर चक्र को गोल्ड बताया गया है क्योंकि उनके अंदर बहुत विजडम है। वो जब बात करते हैं तो कम बात करते हैं और काम की बात करते हैं। फिलोसोफर्स का अगर हम देखेंगे सोलार प्लेक्सस, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं और लोगों को आपकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, आप मैच्योर लेवल पे बात करना चाहते हैं तो भी एम्बर आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको वाइज बनाता है, आपको विजडम देता है। बहुत सी बीमारियाँ एम्बर ठीक करता है। गाउट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी एम्बर ठीक कर सकता है। एम्बर को पहले जमाने में जलाया जाता था, आप इसको बर्न भी कर सकते हैं घर से पूरा नेगेटिविटी को निकालने के लिए। आप इसे कोल जलाकर उसमें डाल सकते हैं और इसके स्मोक से जो नेगेटिविटी है वो पूरा निकल जाता है। अगर कुछ किसी को डाउट है, कुछ स्प्रिट्स है या कुछ नेगेटिविटी है तो वो भी एम्बर से निकाली जाती है। पहले जमाने में प्रीस्ट इसे यूज करते थे स्प्रिट्स को भगाने के लिए और नेगेटिविटी निकालने के लिए एनवायरनमेंट में से, और विजडम के लिए भी इसे यूज किया जाता था। ये बहुत ही हल्का होता है, इसका वजन बहुत ही कम होता है और इसके ऊपर मेडिटेशन करने से हम हमारा पास्ट लाइफ देख सकते हैं। थैंक यू।